आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का आज 36वां पाठ यानी भाग 36वां अध्याय 2 और श्लोक संख्या 33, 34 और 35। परमात्मा श्री कृष्ण ने कर्तव्य की बात करते और कर्तव्य की बात करते करते आगे समझाते कि धर्म क्या होता है। 33 में श्लोक में बोलते हैं कि तू यदि इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे तो कीर्ति खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप प्राप्त होगा। 34वें श्लोक में कहते हैं कि सदैव लोग तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। 35वें श्लोक में कहते हैं जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुए हैं वो महारथी भी तुझे डर के कारण युद्ध भूमि में हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। युद्ध के बिना क्षत्रिय रह नहीं सकता। अगर युद्ध नहीं करोगे तो क्षात्र धर्म का नाश होगा, ये तो धर्म कर्तव्य का त्याग होगा। ये करने से पाप लगेगा, अपकीर्ति होनी, खुद के धर्म को त्याग करने करके दूसरे के धर्मों में जाने वाला अधर्म किया जाता है। कोई कोई तो उसे धर्मद्रोही भी कहते हैं। लोग यही सोचेंगे कि अर्जुन जैसा महावीर योद्धा डर के मारे युद्ध भूमि में हट गया। अर्जुन तू क्या सोच रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है। जिसको तेरे साथ संबंध नहीं है, ऐसे भी लोग अपयश और अपकीर्ति का गाना गाएंगे कि ये कितना सुरवीर फिर भी युद्ध भूमि से कायरता से हट गया। तुझे क्यों हटना है वो कोई नहीं समझेगा। एक बात है कि जगत में कीर्ति और यशगान ज्यादा त्वरितता से नहीं फैलते हैं, मगर अपकीर्ति और अपयश बहुत ही जलद स्वरूप में त्वरितता से फैलते हैं और लंबे समय तक इसकी चर्चा भी होती है। संसार की दृष्टि से जो मानने में आता है, जिसको लोग उच्च दृष्टि से देखते हैं, ऐसी मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तो ये अपकीर्ति मौत से भी ज्यादा भयावह होती है, क्योंकि धर्म की हानि करने वाला अधर्म या तो कायर जैसी बातें करता है, ऐसा करके उसको कायरता के शब्दों से नवाजा जाएगा। अर्जुन को आगे कहते हुए परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि तू ऐसा समझता है कि केवल तेरा ही कल्याण करने हेतु तू युद्ध भूमि में आया है, और अगर ऐसा युद्ध करना पाप है तो तू कोने में बैठे बैठे युद्ध जब कर लेता, युद्ध भूमि में आने की जरूरत ही नहीं थी। मगर यहां आके पीछे हटना, लोग यही कहेंगे कि मृत्यु के डर के कारण युद्ध भूमि से हट गया। अगर तू युद्ध से निवृत्त होने का सोचता है तो धर्म विमुख जाने का सोचता है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना। अभी तक जो कोई देवता गांधर्व जैसे कई लोगों को आप हरा चुके हो, अगर इस समय युद्ध न करने से तू
युद्ध छोड़ देगा तो लोग तुझे डरा हुआ मानेंगे कि ये मौत के डर से डरता है। ये जो कर्तव्य की बात परमात्मा श्री कृष्ण ने कही वो भी बहुत गहन है। आज के युग में हम सब चाहिए पर परिवार प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य हट जाते हैं और कर्तव्य से मुकर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अंगुल निर्देश करने जिसको अधिकार नहीं है, देखो जीवन के अंदर हर वक्त ऐसा आता है कि हम कभी कभी ऐसा सोचते कि ये नहीं करना चाहिए, ये हो गया, ये क्यों करे। मगर ऐसा नहीं कि ये विषय योग, सांख्य योग सिर्फ अर्जुन को लगता है, हमको भी लगता है, मगर हम उसका उकेल पाने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढते। कई ऐसी बातों में आके आत्महत्या कर लेते हैं, आपदाह कर लेते हैं, ये गलत है। हमेशा परिस्थिति का सामना करना चाहिए। परिस्थिति जो खड़ी होती है उसका सामना करना, उसके साथ लड़ना, यही हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है। और धर्म के लिए हमेशा हमें हमारा कर्तव्य निभाते साथ में खड़ा रहना चाहिए। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये जो वीडियो है उसको लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बात है, आप सबके जीवन में कृष्ण परमात्मा खूब धन्यता बख्शे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भावतु।